हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। यहाँ पे जो है बाल मनोविज्ञान पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो हॉस्टल मॉडल में आपको देखे होंगे 10 नंबर से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। 10 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 नंबर भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1 नंबर में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं यहाँ पर जो है पता होता है, ठीक है जी। और ये जो है साथ ही साथ टीचर भर्ती के लिए काम आएगा, हॉस्टल मॉडल के लिए काम आएगा, साथ साथ टीचर भर्ती हो गया, टीचर भर्ती के साथ साथ आपका सीटेट, सीजीटेट, इन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। टेट वगैरह का आप तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, और आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जो है मनोविज्ञान के विषय वस्तु जो है निम्नलिखित में से क्या है, आत्मा, मानस, मनुष्य या व्यवहार है, ठीक है। तो मनोविज्ञान की वस्तु जो विषय वस्तु जो सब्जेक्ट होती है जो है व्यवहार पर आधारित होती है, ठीक है जी। मनोविज्ञान की विषय वस्तु जो है व्यवहार है, ठीक है। क्या है? तो व्यवहार है। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है, कि मनोविज्ञान प्रारंभ में निम्न में से किस अंग का था, ये किस विषय से संबंधित है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मनोविज्ञान जो है प्रारंभ में किस का जो है अंग था, ये जो है दर्शन शास्त्र का अंग था, याद रखने हैं। तो मनोविज्ञान प्रारंभ में जो है दर्शन शास्त्र के जो है अंग था, इसका जो है ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जो मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान की परिभाषा चेतना के विज्ञान के रूप में करते हैं। तो मनोविज्ञान विलियम जेम्स, याद रखिएगा, जो मनोविज्ञान है जो विलियम जेम्स है, इनके द्वारा इन्होंने जो है मनोविज्ञानिक जो मनोविज्ञान की परिभाषा जो है चेतना के विज्ञान के रूप में जो है इन्होंने किए हैं, ठीक है। किसके द्वारा? विलियम जेम्स के द्वारा। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जो मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं? तो यहाँ पे जो है विलियम मैकडुगल, याद रखिए, ये मनोवैज्ञानिक जो विलियम मैकडुगल, इन्होंने जो है कहा था मनोविज्ञान जो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान ये जो है मानते हैं, ठीक है। विलियम मैकडुगल, अलग अलग मनोविज्ञान, उनके अलग अलग जो है परिभाषा दिए, उनके अलग अलग कथन दिए हैं, ठीक है। इसी तरह जो है मनोविज्ञान का व्यवहार का विज्ञान जो है विलियम मैकडुगल जो है इन्होंने जो है माना है, ठीक है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान की प्रकृति निम्न में से किस प्रकार की है, दार्शनिक, कलात्मक, वैज्ञानिक या साहित्यिक, ठीक। तो मनोविज्ञान की जो प्रकृति जो है किस प्रकार से है, ये जो है साहित्यिक प्रकार की है, ठीक है। साहित्यिक, डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है, शिक्षा के लिए, छात्र के लिए, अभिभावक के लिए, उपयुक्त सभी के लिए, ठीक। तो शिक्षा जो मनोविज्ञान जरूरी है, शिक्षा के लिए भी, छात्र के लिए, अभिभावक के भी लिए, मतलब उपयुक्त सभी के लिए जो है शिक्षा मनोविज्ञान भी जरूरी है, ठीक है। इसका जो है डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है अनुशासन में, बाल विकास के ज्ञान में, मूल्यांकन में या सर्वांगीण विकास में, ठीक है। तो जो है शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये आपके सर्वांगीण विकास के लिए जो बहुत ही जरूरी है, ठीक है, ये सहायक भी है। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। आठवां क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है स्वयं को समझने में, बालक को समझने में, शिक्षण विधियों के चयन में या संपूर्ण शिक्षक प्रक्रिया में, शैक्षिक प्रक्रिया में। तो शिक्षा जो मनोवैज्ञानिक जो सहायक है बालक को जो है समझने में जो है, बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह परिभाषा किसकी है जो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, डेविस, स्किनर, बी एन झा या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, इनमें से कोई नहीं, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दसवां क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अर्थ नहीं है, ठीक है, शिक्षा का अर्थ नहीं है। तो साविद्या या मुक्तये, ज्ञान, मनुजस्य, तृतीय नेत्र, योग्यताओं का विकास या जो है शारीरिक विकास, शिक्षा का अर्थ कौन सा नहीं होगा? तो जो शारीरिक विकास ये जो है शिक्षा का अर्थ नहीं, बाकी जो साविद्या, युक्तये, ज्ञानम, मनुजस्य जो है तृतीय नेत्र, योग्यताओं का विकास जो है शिक्षा का जो है अर्थ से संबंधित ही, बाकी डी इसका जो है नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्यारहवां क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ है आत्मा का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान, ठीक है। तो मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ यहाँ पे जो है व्यवहार का विज्ञान, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है चेतना वगैरह यहाँ पे मत लीजिएगा, आंसर व्यवहार का विज्ञान से ही संबंधित है, मनोविज्ञान का जो वास्तविक अर्थ है, ठीक है, इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है मनोविज्ञान है सामाजिक विज्ञान, विधायक विज्ञान, शुद्ध विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञान, ठीक है, तो मनोविज्ञान आपका जो है विधायक विज्ञान है, बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, यह परिभाषा किस विद्वान ने जो है यह परिभाषा किस विद्वान ने प्रस्तुत की है कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन या मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसे ठीक है उसके बाद जो है उसने चेतना का त्याग किया, अब यह व्यवहार की विधि को अस्वीकार करता है। यह जो है आर एस जो वुडवर्थ है इन्होंने जो परिभाषा दिया था कि जो विद्वान ये जो इन्होंने जो है मनोविज्ञान जो विद्वान प्रस्तुत की, तो सबसे पहले मनोविज्ञान अपनी आत्मा का जो है त्याग किया, फिर वह जो है अपने जो मन या मस्तिष्क त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, यह वह जो है व्यवहार की विधि से स्वीकार करता है, सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है, ठीक है, अध्यात्म शास्त्र, जीव शास्त्र, मानव शास्त्र या दर्शन शास्त्र, ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कौन से शास्त्र क्वेश्चन घुमा दिया है, ठीक है, तो तब भी आंसर आपको जो है दर्शन शास्त्र डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा है, मन, आत्मा, चेतना या सभी का, ठीक है, तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान को जो है किसका विज्ञान कहा गया है, तो ये जो है आत्मा का जो है विज्ञान कहा गया है, बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा, इसके पश्चात आपका मन, तदुपरांत क्या किया है, अचेतन, व्यवहार, चेतना या ये सभी, ठीक है, तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान जो है आत्मा, इसके पश्चात मन, तदुपरांत इसके बाद आपका जो है चेतना को इन्होंने खोया है, ठीक है जी, इसका जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेतना। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया है, ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में, 20वीं सदी के मध्य में या आपके 19वीं शताब्दी के अंत में या 18वीं शताब्दी में, ठीक है, तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान जो है कहा गया है 18वीं शताब्दी में, याद रखिएगा 18वीं शताब्दी में जो है मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा है, तो इसका जो है डी ऑप्शन 18वीं शताब्दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक समय में मनोविज्ञान खाली स्थान विज्ञान माना जाता है, अनुभूति, मानसिक प्रक्रिया, व्यवहार या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो आधुनिक समय में मनोविज्ञान को जो है खाली स्थान विज्ञान माना जाता था, तो उस समय आधुनिक समय मनोविज्ञान को जो है व्यवहार का विज्ञान माना जाता है, ठीक है, इसका जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है, ठीक है, तो मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है, विधायक, विनियामक, ए एवं बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है, विधायक भी, नियामक भी, मतलब ए और बी दोनों, इसका जो है करेक्ट आंसर मनोविज्ञान है, ठीक है, मनोविज्ञान जो है विधायक, नियामक प्रकार के विज्ञान है, ए और बी दोनों इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, लगभग 20 क्वेश्चन हो गया, कि वर्तमान में शिक्षा जो है मनोविज्ञान का अध्ययन का जो विषय है आपका चेतना, मस्तिष्क, मानव व्यवहार या आत्मा, तो वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन का जो विषय है आपका चेतना, मस्तिष्क, मन, ये तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, मानव व्यवहार सी ऑप्शन, एक मिनट, ठीक है, तो वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन मानव व्यवहार है, सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक दा कृति वैज्ञानिक है, ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक जो है कृति वैज्ञानिक है, तो जो शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का जो वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से जो है अध्ययन किया जाता है, सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, ठीक है, समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं आर एम गैने, वर्तिमर एवं अन्य, बी एस ब्लूम, बी एफ स्किनर, ठीक है, तो समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक वर्तिमर एवं अन्य जो इसके जो है प्रवर्तक है, ठीक है, समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक वर्तिमर एवं अन्य है, बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा जो है मनोविज्ञान का केंद्र है, बालक, अध्यापक, अधिगम सामग्री या पाठ्यक्रमी, क्वेश्चन कई बार सभी क्वेश्चन कंटेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो शिक्षा जो मनोविज्ञान के केंद्र आपका जो है
बालक है। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 क्वेश्चन है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है, ठीक है, तो वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है? मस्तिष्क का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या आत्मा का विज्ञान, ठीक। तो वर्तमान समय में जो मनोविज्ञान ये जो है व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है जी। बी ऑप्शन जो है व्यवहार का विज्ञान इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है, शिक्षा जो मनोविज्ञान, शिक्षा जो है मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि छात्रों को आसानी से प्रभावित कर सके, बी है स्वयं को समझ सके, पशुओं पर जो है प्रयोग कर सके, या डी है शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके, ठीक। तो यहाँ पे जो है शिक्षा जो है मनोविज्ञान का अध्ययन किसको किस लिए करना चाहिए ताकि ये जो है, तो यहाँ पे शिक्षण को जो है अधिक प्रभावी बना सके, ये इसलिए जो है अध्ययन शिक्षक को जो इसलिए करना चाहिए ताकि जो है शिक्षण को जो है अधिक प्रभावी बना सके, ठीक है। इसका जो है यहाँ पे 25 का डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे जो है कंप्यूटर के सेशन लगभग 525 क्वेश्चन में मोस्ट इंपोर्टेंट कवर कराया हूँ, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग सभी क्वेश्चन आपसे जो इससे अगर लिए होंगे सेशन तो बहुत अच्छे स्कोर कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि सिलेबस उठा के देखेंगे तो 30 नंबर से आपका जो है कंप्यूटर से पूछा जाएगा, जिसमें 15 नंबर लाना कंपलसरी है, ठीक है जी। तभी आपका जो पेपर आगे जाके चेक होगा या तो वहीं पे आप सीधा डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर का साथ ही साथ अन्य सब्जेक्ट उसको भी जो है पढ़ते रहिए, और जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। मॉक टेस्ट लगाइए फ्री, बहुत सारे जो है प्लेटफॉर्म है जहाँ आप जो है फ्री आप जो है मॉक टेस्ट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए आज हम सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में, ठीक है जी। अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। 25 हम अगले पार्ट में जो है यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।